हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यपाल ने 7 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, पुंछ के बालाकोट में 2 आतंकी ढेर। अहमदाबाद में एक इमारत की 7वीं मंजिल में लगी आग, आग की चपेट में आने से बच्ची की हुई मौत। सपा ट्विटर हैंडल का संचालक मनीष गिरफ्तार, ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में प्रदेश भर के दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप, मुख्यमंत्री गहलोत ने की शिरकत। राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। जोधपुर को रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी मिली, BCCI ने जोधपुर को 2 रणजी मैचों की मेजबानी दी है। जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन GLO शाखा के चुनाव संपन्न हुए, इससे पहले GLO शाखा की सेमिनार आयोजित की गई थी। चित्तौड़गढ़ में सर्दी और कोहरे के बीच रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत। जैसलमेर के लाठी में ट्रक के पीछे घुसा मिनी ट्रक सवार गंभीर रूप से घायल। बीकानेर में पूर्व सांसद की स्मृति में रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, शिक्षा मंत्री डॉ BD कल्ला रहे मौजूद। बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माही महोत्सव का आयोजन, इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने पानी में दीप जलाकर छोड़े। जालौर में नर्मदा नहर में डूबने से पति पत्नी की मौत, 8 महीने पहले हुई थी शादी। कोटा में पुलिस ने गांजे के साथ एक महिला आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 किलो गांजा सहित 28,160 रुपए की नकदी की बरामद। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की बोगी में आग लगने से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला, आग पर पाया गया काबू। जयपुर की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक और 1 वाहन बरामद। जयपुर में 5वें दिन पशुधन सहायकों का अनशन जारी रहा, 22 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर अनशन। नागौर में सड़क पर गहरे गड्ढे और रेत होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी, जिससे आए दिन दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना का हो रहे शिकार। शेखावाटी में शीतलहर के कारण तापमान में आई गिरावट, पारा -0.5 डिग्री पर पहुंचा। श्रीगंगानगर के साधुवाली के पास नहर में गिरी कार, हादसे में 3 किसानों की मौत। जोधपुर में वन्यजीवों का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, फंदा लगाकर वन्यजीवों का कर रहे थे शिकार। प्रतापगढ़ की गौशाला में गौ माता के नाम भक्ति संध्या का हुआ आयोजन, भक्ति संध्या में श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए आए नजर। बीकानेर में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिला अथेड़ का शव, अधिक ठंड से मौत होने की जताई जा रही आशंका। दौसा में बसों को लेकर कई जगह वाद विवाद की स्थिति बनी, रोडवेज बस नहीं रुकने से CET परीक्षार्थी हुए परेशान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,423 पर पहुंचा। फिल्म अवतार 2 की नहीं थम रही कमाई, फिल्म का कलेक्शन 365.30 करोड़ रुपए हुआ। फिल्म विक्रम वेधा OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, बूट सेलेक्ट पर 9 जनवरी को होगी रिलीज। BCCI ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया, चेतन शर्मा फिर बने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर। मैरीकॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से नाम लिया वापस, चोट के कारण लिया फैसला। भारत की मेजबानी में हॉकी विश्व कप का आयोजन, 13 से 29 जनवरी तक होगा, भारत को दूसरे खिताब की रहेगी तलाश।